सारी भैंसे गाय वगैरह हैं ये उबैद भाई की हैं। इनसे तकरीबन दिन में कोई 15 से 20 किलो दूध एक वक्त का आ जाता है। हाँ जी, तो गाइस मैं अपने विलेज में हूँ इस वक्त और ये मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे कज़न उबैद भाई हैं। उबैद भाई क्या हाल है? ठीक है यार, कोई नजर नहीं आ रहा भी। ये भी मैंने ब्राइटनेस ऑफ की हुआ है ना इस वजह से। अच्छा, उबैद भाई सराय की ना बोले आप, मेरा नाक कटवा रहे मेरे मेरे जो व्लॉगर वो जो मेरे नाक है गाइस है ना देखिए इतना लंबा नाक है मेरा और उबैद भाई हमने भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, आज आप उसमें भी आ जाएंगे माशाल्लाह। वाकई जी, फिर तो आप गिलत करनी चाहिए वैद भाई रोजाना मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। क्या है आज मेरी इज्जत करेंगे वैद भाई? हम आगे आपको दिखाते हैं हम विलेज का माहौल। ये भाड़ा है वैद भाई का। हाँ तो गाइस उबैद भाई और मैं हम अपनी बस्ती की सैर करके अब आए बैठे हैं। अब हमने रोटी वगैरह खानी है, फिर हमने दोबारा गांव से दोबारा शहर अपने शहर की तरफ जाना है। और ये उबैद भाई का खाना आ चुका है और उबैद भाई मैं खाना खाने लगे हैं। ये हमारा देसी खाना है, देहाती चावल और ये सालन। तो उबैद भाई खाना वगैरह शुरू करें जी जरूर। हाँ तो गाइस हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं गांव वाले डेरे में और अभी हम ये उनके लिए चाय लेके जा रहे हैं और उनको चाय से हम अपनी मेहमान नवाजी दिखाते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये उबैद भाई है हमारे साथ, उबैद भाई के बहुत ही प्यारे और करीबी दोस्त आए हुए हैं और ये सामने उनकी गाड़ियां वगैरह नजर आ रही हैं। तो गाइस अभी हम चाय दे के आ गए हैं और जो हमारे गेस्ट हैं वो स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ पुलिस के डालों के साथ आए हुए थे। ये हमारे साथ बैठे हैं हमारे बहुत ही प्यारे कज़न महार जवेद सियाल। महार जवेद सियाल अभी अभी मामू इरशाद के साथ आए हैं और ये चावल वगैरह खा रहे हैं, खाना वगैरह हम खा रहे हैं। तकरीबन कोई हमारे से आधे और 15-20 मिनट बाद तो गाइस हमारा टी टाइम शुरू हो चुका है और अब हम चाय वगैरह पियेंगे और अभी अभी मामू जवेद आए हैं, वो अभी खाना खा लिया, वो भी चाय वगैरह पियेंगे तो हम आपको आगे मिलते हैं। तो गाइस अब हम खड़े हैं महार उबैद रजा सियाल के भाड़े पे और ये समर अब्बास सियाल भी हमारे साथ खड़े हैं और अभी हम भैंसे वगैरह आपको दिखाते हैं महार उबैद रजा सियाल की। ये उबैद भाई की कोती है जो जिसके ऊपर घास वगैरह लाद के लाया जाता है और ये जो सारी भैंसे गाय वगैरह हैं ये उबैद भाई की हैं। इनसे तकरीबन दिन में कोई 15 से 20 किलो दूध एक वक्त का आ जाता है। ये सारी भैंसे वगैरह उबैद रजा सियाल की हैं। ये उबैद भाई खड़े हैं, ये घास पड़ा है, इस कटर से इस घास को काटा जाता है और फिर इनको खिलाने के लिए इनके आगे डाला जाता है। खिड़की नहीं हो भाई और मैं अभी अभी उनके भाड़े से होके आ रहे हैं और हमने सारी गाय वगैरह देखी और हमने हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली उबैद भाई से। तो आज हम इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्लॉग को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी बजा दें। उबैद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उबैद भाई मेहरबानी, उबैद भाई को खुदाफिज कहिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।